भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज मैं आप लोगों को वशीकरण के कुछ टोटके और मंत्र विधान बताऊंगा। कुछ इसलिए बोल रहा हूं कि एक से ज्यादा है, दो विधान मैं बताऊंगा। जब हम वशीकरण करते हैं तो वो किसी स्थिति को संभालने के लिए होता है। हमेशा वशीकरण प्रेम पाने के लिए नहीं होता है। मतलब प्रेम का मतलब है प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम। प्रेम का मतलब ये भी होता है कि आपस के सौहार्द को ठीक करने के लिए भी तंत्र का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार वशीकरण सक्सेसफुल नहीं होता है। जो प्रेमी प्रेमिका के बीच का वशीकरण, वो सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि उसका मैंने एक पूरा कारण बताया था कि जो चार तरीके के जातक होते हैं वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, तो वशीकरण काम नहीं करता। मतलब अगर देव का दैत्य से आप मिलन कराना चाहोगे तो वो वशीकरण काम नहीं करता है। लेकिन जहां पर कोई कार्यालय है, जहां पर वर्चस्व की लड़ाई चल रही हो, वैसे स्थान पर जो मुखिया है उसका वशीकरण जरूरी होता है। और उस वशीकरण से क्या होता है, आपका प्रभाव उस कार्यालय में, उस कार्य में, उस स्थान पर बढ़ जाता है। ऐसा वशीकरण बहुत बार इसलिए विफल होता है क्योंकि कुछ और लोग जो कि हो सकता है उस मुखिया के करीब हो, वो आपके विरोधी खेमे में हो या फिर आपका विरोध करते हो। तो जब एक समूह में आप बैठे हैं और आपको वशीकरण करना है वहां के मुखिया का, तो जरूरी होता है कि मुखिया के वशीकरण के साथ साथ आपको उस समूह का भी वशीकरण करना होगा। वरना आपने वशीकरण किया, उसके मन में आपके प्रति अच्छा भाव आया और उसके बाद किसी ने जाकर के उसको भ्रष्ट कर दिया, तो जितना भी आपका मेहनत है वो कम हो गया। तो हम जो आज आपको विधान बताएंगे उसमें एक तिलक का विधान बताएंगे और दूसरा आपको बताएंगे सूर्य देव का एक मंत्र, जिससे आप उस मुखिया को वशीकरण करेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए ये वशीकरण तिलक बनाने के लिए नाग केसर, चमेली का फूल, कूट, तगर, कुमकुम और देसी घी। ठीक है, इसको पीस करके एक स्थान पर रख लें। ठीक है, उसके बाद किसी भी पूर्णिमा से आप एक मूंगे की माला ले लें। ठीक है, मूंगे की माला लेकर के, और जैसे सूर्योदय होता है तो सबसे पहले गायत्री के घट की स्थापना करें। गायत्री के घट के की स्थापना का विधान मैंने बताया है, संक्षेप में बता देता हूँ कि गायत्री भगवती का एक तस्वीर किसी छोटी सी चौकी पर आप रखें और सामने एक कलश तांबे का उसको रखें। उसके बाद भगवती गायत्री की 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे वो जो जल आपने रखा है वो अभिमंत्रित हो जाता है। इस और जो आप जब जाप करते हैं तो उसके पहले जो पंच पूजा होता है वो आपको करनी चाहिए, जो धूप दीप नवेद डालते हैं, तो उतना करके वो जल जाप के बाद उठा लें और उसके बाद सूर्य देव को अर्पण करें। सूर्य देव का ओमादित्याय नमः का मंत्र का जाप करते हुए अपने सिर के ऊपर रख करके हाथ रहे और उसके बाद आप उस जल को अर्पण करें। इतना करने के बाद जिस स्थान पर आपने जल अर्पण किया है वहीं पर आसन लगा लें। ठीक है, भूमि आसन होगा, वस्त्र लाल या काला नहीं होना चाहिए। लाल और काला दोनों कलर को हम लोग इसमें नहीं प्रयोग करते हैं, क्योंकि काला जो है वो विपरीत व्यवहार का प्रतीक होगा। और लाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम इस जाप के लिए मूंगे की माला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका ये माला और वस्त्र का क्या समन्वय होता है ये किसी और वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो किसी भी पूर्णिमा के दिन आप सुबह उठेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये सब विधान करके
सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद ये जो तिलक का मिश्रण है इसको सामने रखेंगे, ठीक है। मूंगे की माला लेंगे, उत्तर की दिशा में देखेंगे, ठीक है। ये विधान आपको 31 दिन तक करना है और हर रोज 3 माला करना है, ठीक है। एक बार जब आप इस विधान को पूरा कर लेंगे तो फिर उस तिलक को आपको रोज धारण करना है, ठीक है। और जिस भी कार्यालय, जिस भी प्रभाव क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं वहां पर जाएं और इस तिलक को हमेशा धारण करें। इस तिलक को धारण करने से ये होगा कि आपके विरुद्ध आप जिसको भी वशीकरण करने जा रहे हैं वो किसी और की नहीं सुनेगा, या कोई और उसको आपके विरुद्ध नहीं भड़का पाएगा, ठीक है। या भड़काना चाहेगा भी तो उसकी इच्छा नहीं होगी कि आपके विरुद्ध जाए। तो पहला चरण गायत्री का जाप, सूर्य देवता को जल अर्पण कर लिए, उसके बाद तिलक को सामने रख दिया, और उसके बाद मंत्र का जाप करेंगे। उस मंत्र को जाप करने से मंत्र सिद्ध होगा और साथ में तिलक भी सिद्ध होगा, ठीक है। 31 दिन 3 माला आप कर लेंगे, आपका ये वशीकरण जो है वो सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद किसी भी वस्तु में आप, जैसे पान है या फूल है या कोई गुलदस्ता है, उसमें 21 बार इस मंत्र को बोल करके जो भी व्यक्ति है जिसका आपको वशीकरण करना है उसको दे दें, ठीक है। जो मंत्र है उसमें व्यक्ति का जो अमुख जहाँ पे है वहाँ व्यक्ति का नाम बोला जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये प्रयोग भी आपको 2-3 बार करना है। मतलब अगर पुष्प दे रहे हैं तो 2-3 बार आप जाकर के उसको पुष्प देंगे, ठीक है। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम नमो भास्कराय त्रिलोक्तमने अमुक महीपति मे वंशम कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। ओम नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने अमुक महीपति मे वंशम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को जाप करके आप जो भी वस्तु है उसको अभिमंत्रित करके अगले को दे देंगे। तो एक बार मैं पूरी क्रोनोलॉजी आपको फिर से बता देता हूँ। सुबह उठेंगे, गायत्री की स्थापना करेंगे, सामने एक तांबे का लोटा में जल भरेंगे और वहां पर भगवती गायत्री की पहले पूजा करेंगे, पंच पूजा करेंगे, धूप दीप नवेद अगरबत्ती दे करके। उसके बाद 108 जाप करने के बाद इस लोटे को उठा लेंगे और इसका जल सूर्यदेव को ओम आदित्य नमः करके आप अर्पण कर देंगे, ठीक है। इससे पहले जो वशीकरण तिलक का सामान है, नाग केसर चमेली का फूल कूट तगड़ कुमकुम देसी घी, इसको मिला करके सामने रख लेंगे। और जो मंत्र है इसका सूर्य देवता के सामने बैठ करके लेकिन उत्तर दिशा में मुख करके 31 दिन तक 3-3 माला जाप करना है। ये 3-3 माला जाप करने से ये वशीकरण तिलक सिद्ध हो जाएगा। इसको लगा के उस क्षेत्र में जाए जहां पर भीड़ के बीच में आपको किसी को वशीकरण करना है। ऐसा करने से तिलक देख करके भीड़ आपके विरोध में नहीं होगी। जिसको वशीकरण करना है इस मंत्र को 21 बार पढ़ के फूक ले, अभिमंत्रित करने में चाहे तो दृष्टि से होता है या फूकने से होता है, वो उसको अभिमंत्रित करके कोई भी वस्तु अर्पण कर दे तो वो व्यक्ति आपसे और आपके वश में रहेगा। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है, नंबर है 9431188585। इस पे आपको अघोर में आने से पहले जो भी आसन बंधन या साबर मंत्र का जो ज्ञान होना चाहिए वो बेसिक ज्ञान आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप गुरु मंत्र लेने के लिए अधिकृत हो जाते हैं। जिनको डायरेक्ट बात करना है वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से, उसमें rudranath.cm4 आप सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप वहाँ से मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है 9431188585। विस्तार में बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेके बात करें। माँ भगवती आप सभी को सुखी रखे और सफल बनाए ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश।